हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब होली का त्योहार हो और घर पर गुजिया ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम ये गुजिया मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बनाएंगे, वो भी इतनी खस्ता कि कोई खाकर और देखकर यकीन नहीं करेगा। तो यदि आप भी करते हैं मैदे से परहेज, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी हो जाएगा इसे बनाने का क्रेज। सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बड़े बर्तन के अंदर हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ली है, आप कम भी ले सकते हैं। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर 100 ग्राम सूजी डालेंगे। हम इस सूजी को थोड़ा सा ग्राइंडर के अंदर पीस लेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। सूजी को हमने एकदम बारीक पीस लिया है। अब ये पीसी हुई सूजी हम गेहूं के आटे के अंदर ऐड कर लेंगे, तो इससे गुजिया काफ़ी खस्ता बनेगी। खुशबू के लिए इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर मोइन डालने की। तो मोइन के लिए हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे, तो घी से गुजिया है वो ज़्यादा खस्ता बनती है। तो आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये घी ले लिया है और घी को हमेशा मेल्ट करके ही लें। अब घी को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करेंगे। तो इसके लिए आप दोनों हथेलियों के बीच आटे को अच्छे से रब करें, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे के अंदर। घी की क्वांटिटी यदि आटे के अंदर कम लगती है तो आप इसे चेक करने के लिए इस तरह मुट्ठी बांध के देखें। तो ये मुट्ठी बन रही है तो घी परफेक्ट है, यदि मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप थोड़ा घी और डाल दें। अब हम हल्का गर्म पानी लेते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो ये हमने इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है और डो है वो थोड़ा हार्डी रखा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा है। तो अब इसे हम कवर करके रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम खोया ले लिया है। तो मैंने ये मार्केट से बना हुआ खोया लिया है, तो इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे तो इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ खोया से भी बना सकते हैं स्टफिंग, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सूजी भी ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम सूजी ले ली है, तो इससे स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हम पैन के अंदर इस खोए को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम एकदम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि खोया के अंदर काफ़ी घी होता है, तो ये बहुत ही जल्दी पकने लगता है। अब खोया अच्छे से पक चुका है तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी ढीला पड़ गया है। तो बस इसे हम इतना ही पकाएंगे। अब इसे ठंडा करने के लिए हम एक बोल में निकाल देते हैं। जब तक खोया ठंडा हो रहा है हम इसी पैन के अंदर सूजी भी रोस्ट कर लेंगे। तो सूजी को हम बिना घी के ही रोस्ट कर लेंगे क्योंकि खोया के अंदर काफ़ी सारा घी होता है, तो सूजी वो सारा घी अब्सॉर्ब कर लेगी धीरे धीरे। तो हमें इसमें इस वक्त कोई घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो गया है और ये रोस्ट हो चुकी है। तो बस इसे इतना ही रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे भी हम ठंडा करने के लिए इस बाउल में निकाल लेते हैं। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाए तब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी मिला लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके अंदर मिलाएंगे नारियल। तो मैंने यहाँ पर ये सूखा नारियल का गोला लिया था जिसे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। नारियल का हमने पाउडर बना लिया है, अब ये पिसा हुआ नारियल भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालते समय हमेशा ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स एकदम बारीक कटे हुए होने चाहिए, नहीं तो जो स्टफिंग है वो निकलने लगती है गुजिया में से, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स से जो ऊपर का कवर होता है गुजिया का वो कई बार कट जाता है। कुछ किशमिश इसके अंदर डाल देते हैं, फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी ले ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को भी हम पीस लेते हैं। चीनी पीस कर तैयार कर ली है, अब इसमें मिला लेंगे इसे।
तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर इसमें पीसी हुई चीनी की जगह बुरा या तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है वो थोड़ी नरम है, हमें ऐसे ही स्टफिंग रखनी है क्योंकि इसके अंदर सूजी है, तो बाद में ये सारा जो मॉइस्चर है वो अब्सॉर्ब कर लेगी, सूजी फूल जाएगी और खिली खिली हो जाएगी। स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है, अब डो चेक कर लेते हैं। तो एक दो बार दोबारा से इसे हम मसल मसल कर चिकना बना लेते हैं। तो ये देखिए डो है वो काफ़ी हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो अब एक छोटी सी लोई हम इसे तोड़ लेंगे, इसे फ्लैट कर लेते हैं और अब इसे हम बेलन से बेल लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और जो किनारे हैं उन पर ज़्यादा प्रेस करना है ताकि किनारे इसके पतले रहें। ये देखिए इतनी थिकनेस रखनी है। अब हम एक ढक्कन ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इससे जितनी भी गुजिया बनेगी वो इक्वल शेप में बनेगी। अब इसके बीच में स्टफिंग रख देते हैं। तो यदि आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरीके से गुजिया बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब इसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारों पर इस तरह पानी लगा देंगे, इसे इस तरह चिपका देते हैं। अब इसे फोर्क से हम डिज़ाइन भी दे देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगी, खुलेगी नहीं। तो ये हमारी बिना सांचे की गुजिया बनकर तैयार है। अब हम सांचे वाली गुजिया बनाने के लिए सांचा ले लेते हैं। तो ये इस तरह का सांचा आता है। तो सांचा खरीदते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जो सांचा आप लें उसके बैक साइड में बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, बीच में गैप रहा तो जब आप गुजिया बनाएंगे तो वो पीछे से कट जाएगी और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो ये सांचा खरीदते समय आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और ये दूसरे तरीके का सांचा भी आता है, ये सांचा थोड़ा बड़ा आता है, गुजिया में स्टफिंग इसमें ज़्यादा आती है, लेकिन इस सांचे की खास बात है कि गुजिया को इसमें डिमोल्ड करना बहुत आसान होता है और पीछे से ये खाली है तो इसे गुजिया कटती भी नहीं है, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हम दोनों तरीके के सांचे का इस्तेमाल करके गुजिया बनाते हैं। तो ठीक पहले के साइज की पूड़ी दोबारा से हम बेल लेते हैं। अब हम पहले वाला सांचा ले लेते हैं और इसे इसके ऊपर रख देते हैं, इसके बीच में गहराई कर देते हैं ताकि स्टफिंग इसमें इजीली आ सके। और अब हम इसमें स्टफिंग डाल देते हैं। तो ध्यान से स्टफिंग डालें, स्टफिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो वो गुजिया से बाहर आने लगती है। तो ये स्टफिंग को हमने अच्छे से सेट कर दिया है, इसके किनारों पे स्टफिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि इधर से हमें चिपकाना है। तो किनारों पर हम पानी लगा देते हैं और इसे बंद करके जो एक्स्ट्रा डो है उसे हटा देते हैं। तो यदि आपके पास इस तरह का सांचा है तो आप इस तरीके से गुजिया बना सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह की गुजिया बनकर तैयार है। अब हम दूसरा सांचा ले लेते हैं और ठीक इसी तरह इसे भी सेट कर लेते हैं, बीच में गहराई कर देते हैं और अब इसके अंदर हम स्टफिंग डाल देते हैं। तो इस गुजिया के अंदर खूब सारी स्टफिंग आएगी। तो ये देखिए कम से कम मैंने इसमें 3 चम्मच स्टफिंग की डाल दी है और ये अच्छे से सेट कर ली। अब इसके किनारों पर हम पानी लगा देंगे, इसे बंद कर कर जो एक्स्ट्रा डो है उसे हटा देंगे, इसे डिमोल्ड करेंगे। तो इसे डिमोल्ड करना भी बहुत आसान है, ये देखिए, और गुजिया देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं सारी गुजिया है वो इसी सांचे से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो सारी गुजिया को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसे एक हल्के गीले कपड़े से ढक देते हैं ताकि ये सूखे नहीं। तब तक हम कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेते हैं। तो तेल को हमें एकदम कम गरम ही करना है। तो तेल में हल्की सी आंच आ रही है तो एक एक करके गुजिया अब इस गरम तेल में डालते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल हमारा बहुत ही कम गरम है। तो अब इसे हम लो फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। तो गुजिया को हमेशा खस्ता बनाए रखने के लिए इसके अंदर हमें बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि गुजिया को हमें एकदम लो फ्लेम पर डीप फ्राई करना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए जब आप एक बैच डीप फ्राई कर रहे हैं गुजिया का तो उस समय आप दूसरा बैच बना लें, तो साथ साथ आपकी गुजिया बनती भी जाएगी और दूसरी गुजिया डीप फ्राई भी होती जाएगी। तो ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकली है ये गेहूं के आटे की होने के बाद भी। तब तो ये गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका, और आप देख सकते हैं इन पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं। तो ये कुछ गुजिया हमने बनाकर तैयार कर ली हैं।
अब हम एक गुजिया को तोड़कर भी देखते हैं कि ये कैसे बनी है। तो ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और पूरी अंदर स्टफिंग से भरी हुई है। और स्टफिंग से भरी हुई खस्ता गुजिया खाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो आप भी इस तरीके से गेहूं के आटे की गुजिया बनाएं और अपनी हैप्पी होली को और भी हेल्दी बनाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें इसे। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।